नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में शुरू हुई जातीय जनगणना, भागलपुर में डीएम ने की शुरुआत, मकानों का हो रहा नंबरीकरण। पति ने पत्नी की ईंट से कूच कर की हत्या, 4 साल की बच्ची ने खोला राज। तेरह जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का होगा शपथ ग्रहण, डीएम ने जारी किया पत्र। राज्य के बालश्रम अध्यक्ष पहुंचे भागलपुर, अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा दूसरे के बच्चों को अपना समझे। और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के लिए कलाकारों की टीम हुई रवाना। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में जातीय जनगणना कराने पर नीतीश कुमार ने सहमति जताई थी, जिसके बाद जनगणना का काम 7 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। इस गणना का नफा नुकसान तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि राष्ट्रीय जनता दल की चिर प्रतीक्षित मांग पर आखिरकार अमल हो गया। यानी सीधे शब्दों में कहे तो जातीय जनगणना की शुरुआत कराकर RJD ने अपनी पहली रणनीतिक जीत हासिल कर ली है। इधर घर घर जाकर 12.7 करोड़ जनसंख्या और 2.58 करोड़ घरों का सर्वे किया जाना है। सर्वे का पूरा काम 31 मई तक पूरा करने का समय तय किया गया है। जातीय सर्वेक्षण 38 जिलों में शुरू किया गया है। बिहार के तमाम जिलों में 534 ब्लॉक्स और 261 शहरी स्थानीय निकाय है। पहला चरण 21 जनवरी को खत्म होगा, इसमें घरों की संख्या गणना हो रही है। उसके बाद दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। भागलपुर की बात करें तो जातीय जनगणना को लेकर जिले के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सबौर प्रखंड के झुरखुरिया इलाके से इसकी शुरुआत की है। इसमें 7,035 प्रांगणक और 24 चार्ज अधिकारी शामिल हैं। गणना कार्यों में शिक्षकों, PRS और कई सरकारी कर्मियों को लगाया गया है। प्रथम चरण के गणना में मकान का नंबरीकरण हो रहा है, जबकि दूसरे चरण में उसी मकान में रहने वालों से 26 तरह के सवाल का लिस्ट तैयार किया गया है। पोर्टल और ऐप पर मुखिया का नाम दर्ज होगा। भागलपुर जिले में करीब 10 लाख मकानों की गिनती और नंबरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। जातिगत जनगणना को लेकर भागलपुर डीएम ने बताया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट से समाज में संतुलित विकास को बल मिलेगा। इस अवसर पर सदर SDO धनंजय कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। मकान नंबरीकरण का कार्य चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रगणक हैं वो घर घर में जा करके सारी सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं और जो मकान का नंबरीकरण है, जैसे भवन संख्या, मकान संख्या, ये लिखा जा रहा है। और हम लोगों ने 6 प्रगणकों के ऊपर एक पर्यवेक्षक दिया है, मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, जैसे यहाँ के चार्ज ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, तो वो भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सारे जिले के वरीय पदाधिकारी आज फील्ड में हैं और इस काम को बहुत तरीके से और जैसा विभाग का गाइडलाइन है उसका अक्षरशः अनुपालन करते हुए इसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे। एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और पूरे राज्य में आज इसकी शुरुआत हुई है और इससे जो आंकड़े आएंगे उसका बहुत बेहतर उपयोग विभिन्न नीतियों के निर्धारण में, नई पॉलिसीज़ बनाने में होगा और एक सही आंकड़ा जो है वो हम लोगों को मिल पाएगा। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग पूरे ज़िले में संपन्न कराएंगे। वो अभी ये चल रहा है, जैसे मकान सूचीकरण का काम आज से शुरू हुआ है, ये आगे कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग डेली रिपोर्ट भी जो है वो कलेक्ट करेंगे। प्रखंड के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सब लोग इसको देख रहे हैं और डेली का प्रोग्रेस जो है वो हम लोग आप लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे। और ये काम जब जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद डाटा एंट्री करके आप लोगों को सारा डिटेल में बता देंगे। नाथनगर मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के राघुपुर टीकर गांव में बीते शुक्रवार की देर रात एक सनकी पति ने ईंट से कुचलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने शनिवार की सुबह स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। इस घटना की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। घटना को लेकर बताया गया कि शुक्रवार की देर रात राघुपुर टीकर निवासी
पंकज यादव ने घर में निजी विवाद होने पर पहले अपनी पत्नी ईशा कुमारी के साथ बंद कमरे में जमकर मारपीट की। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पंकज यादव ने पत्नी को घसीटकर पास के ही तोताखानी बगीचे में ले गया और वहां ईंट से कूदकर उसकी निर्मम हत्या कर एक पेड़ के नीचे फेंक दिया ताकि वह बेगुनाह साबित हो सके। लेकिन मृतिका ईशा की 4 साल की बेटी ने वारदात की पूरी सच्चाई उजागर कर दी। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तत्पश्चात पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जब उसके घर पर छापेमारी के लिए पहुंची तो वहां कमरे में ताला बंद था। वही सूचना पर डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। उन्होंने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इधर स्थानीय लोगों ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के संबंध खराब हो गए थे। पंकज अक्सर ईशा के साथ मारपीट करता था। वही एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से लेकर आरोपी के घर तक की 1 घंटे तक सघन जांच की और मिले सैंपल को अपने साथ ले गई। बंद घर का ताला तोड़कर भी जांच किया गया। वही घर के अंदर भी टीम को जगह जगह खून के धब्बे मिले हैं। मामले पर मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज महेश कुमार ने बताया कि मृतिका के पिता के फर्द बयान पर केस दर्ज किया जाएगा। कैसा किया लो? हमें नहीं कह पर मैंने इतना तो यहाँ के ना हो ले सब हमें नहीं बाबू कह पर यहाँ हमें रात का सूती के लिए बतिया भी उनका कौन है रे हमारा लग जाए क्या नहीं बगीचों में बाहर हूँ पति तो क्या हो ले पतिया पत्नी अपने में दोनों हाँ कखने मार कर लगे कहीं नहीं झगड़ा कर लगे और नहीं कह पर बन तो अभी पति कहाँ झगड़ो छेबे नहीं गरम तला मर लो पंकज यादव भागलपुर नगर निगम की नई नगर सरकार से शहरवासियों को कई तरह की आकांक्षाएं और आशाएं हैं। कोई अपने मोहल्ले के रोड बनाने के बारे में कह रहा है तो कोई वर्षों से झेल रहे जल निकासी की समस्या से निदान पाने की आशा कर रहा है, जबकि गरीब तबके के लोग चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें आवास योजना की पूरी राशि नहीं मिली है। नई सरकार आएगी तो उनका काम जरूर होगा। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जनता की आकांक्षा कितनी पूरी होती है और आशाओं की डगर पर जनप्रतिनिधि आश्वासन देकर अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। गौरतलब है कि बीते 28 दिसंबर को नगर निगम के मतदान और 30 दिसंबर को मतगणना हुआ था। हालांकि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने शपथ ग्रहण की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। शपथ ग्रहण के साथ ही नगर निगम के बोर्ड का गठन हो जाएगा, सशक्त स्थायी समिति भी बन जाएगी। उसके बाद नगर निगम की अपनी सरकार चलने लगेगी। बता दें कि बिहार के 13 जिलों के नगर निकायों में नव निर्वाचित सभी पार्षदों, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षदों का शपथ ग्रहण 13 जनवरी को होगा, जिसको लेकर बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने सभी डीएम से जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। भागलपुर नगर निगम के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन शपथ दिलाएंगे। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने शनिवार को भागलपुर जिला अतिथि गृह में बैठक की। वही प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम करवाना कानूनन अपराध है। बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत इन सारे बच्चों को किसी तरह के क्षेत्रीय व्यवसाय के कार्य में सम्मिलित करना अपराध की श्रेणी में आता है। बिहार सरकार बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि बाल श्रम पर रोक लगाया जाए। समाज के अंतिम व्यक्ति बाल श्रम नहीं करके विद्यालय कैसे जाए, इसके लिए आज हम लोगों ने बैठक किया है। बाल श्रम कराना संज्ञेय अपराध है। बाल श्रम जो भी कराता है, चाहे प्रतिष्ठान में, दुकान में, ईंट भट्टा में, नेतागर में, डॉक्टर के घर में, पदाधिकारी के घर में, या समाज के कुछ लोगों को जो करवाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। उसको अविलंब जो है विमुक्त कर उसके विद्यालय की ओर प्रेरित किया जाए। इसके अलावा सभी प्रखंड में, बाजार में, मुख्यालय में हम लोग जो है होर्डिंग लगा करके पर्चा पोस्टर के माध्यम से हम लोग जो है उसमें सूचना देंगे कि अगर कोई भी किसी जगह अगर बाल श्रम करवाते हैं तो इस नंबर पर आप टेलीफोन करें।
भागलपुर में हुए युवा महोत्सव में चयनित बच्चे मुजफ्फरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए 62 कलाकारों का दल शनिवार को समाहरणालय से बस के द्वारा मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुआ। राज्य स्तर पर 7 और 8 तारीख को कार्यक्रम होना है जिसमें राज्य भर के बच्चे शामिल होंगे। वहीं इसमें प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को केरल में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान नृत्य गायन तबला वादन सहित 16 विधाओं में बच्चे भाग लेंगे। मुजफ्फरपुर में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का कार्यक्रम होना है, उसी के लिए भागलपुर जिला अंतर्गत कुल 77 बच्चे का नामित चयन हुआ है, वो जा रहे हैं, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स में विद्या में सम्मिलित होंगे, जैसे कि तबला, सितार वादन, हारमोनियम, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य, सुगम संगीत, लोकगीत, लोक गाथा, एकांकी नाटक, लोक नृत्य आदि में वो शामिल होंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम 9 और 10 को निर्धारित है, उसके बाद 8 एवं 9 जनवरी को निर्धारित है, उसके बाद 10 जनवरी को फिर सभी का वापसी आना है। यहाँ जिला स्तरीय हो चुका है, अब राज्य स्तरीय होगा, उसके बाद अगर वहाँ सेलेक्टेड होते हैं तो नेशनल के लिए केरल जाना है। कैसा प्रिपरेशन है आपको? प्रिपरेशन बढ़िया है यहाँ पर का। किस तरह का परफॉर्मेंस है वो? मेरा शास्त्रीय नृत्य से हुआ, सब अलग अलग विधा से है यहाँ। और क्या क्या इवेंट होने जा रहे हैं? जितना सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है सब इवेंट होने वाला है वहाँ। ये राज्य स्तरीय युवा उत्सव की जो आयोजन हो रही है मुजफ्फरपुर जिला में हो रही है, और 8 और 9 तारीख को जो बच्चे इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, भिन्न भिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं जो हमारे जिला स्तर पे हुई थी उसी को राज्य स्तर पे भेजा जा रहा है। जो यहाँ प्रथम प्रतिभागी हुए थे, प्रथम पुरस्कार लिए थे, उनको राज्य स्तर पे भेजी जा रही है, और राज्य स्तर में जो भी प्रथम पुरस्कार लेंगे उनको फिर जो है कर्नाटक राष्ट्रीय महोत्सव में उनको भेजा जाएगा। और ये हमारे 62 बच्चे टोटल लड़का और लड़कियों मिला करके है, और टोटल 14 इवेंट को लेकर के हमारी बस भागलपुर से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो रही है। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर वाजिद हुसैन का सिलेक्शन बीएम बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर कोलकाता के लिए हुआ है। डॉक्टर हुसैन ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी कोर्स कार्डियोलॉजी में उनका चयन किया गया है। वे 9 जनवरी को बीएम बिरला रिसर्च सेंटर में योगदान देंगे। गौरतलब है कि इसके पूर्व डॉक्टर वाजिद हुसैन का सिलेक्शन कोलकाता के अन्य संस्था में कार्डियोलॉजी सुपरिटेंडेंट के लिए हुआ था। डॉक्टर वाजिद ने बताया कि उन्होंने MBBS और MD की पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर से की है। इसके पूर्व डॉक्टर हुसैन पटना के पारस हॉस्पिटल, भागलपुर के ABC हॉस्पिटल समेत कई बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे चुके हैं। इधर डॉक्टर हुसैन के सिलेक्शन पर शहर के कई चिकित्सकों ने उन्हें बधाई दी है। कोलकाता में आयोजित फोगसी के वार्षिक अधिवेशन में भागलपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी को डॉक्टर DK टिंक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रेखा झा सचिव डॉक्टर कविता वर्णवाल के नेतृत्व में मिला है। डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि भागलपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी को 37 साल में ये गौरव पहली बार मिला है। इस अवसर पर डॉक्टर SD पाई, डॉक्टर माधुरी पटेल, डॉक्टर अर्चना झा, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर अंजू तुरियार मौजूद रही। विश्व प्रसिद्ध भागलपुर कतरनी चूड़ा का स्वाद इस बार फिर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य चख पाएंगे। शुक्रवार को विक्रमशिला ट्रेन से आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 क्विंटल कतरनी चूड़ा दिल्ली के बिहार भवन भेजा गया। वहां से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावे कई गणमान्य लोगों को भागलपुर की खुशबूदार कतरनी चूड़ा का उपहार भेंट किया जाएगा। बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं जिला कृषि विभाग के प्रयास से भागलपुरी कतरनी को बढ़ावा देने के लिए
जीआई टैग भी मिल चुका है। कतरनी को बढ़ावा देने के लिए नोडल प्रभारी और कर्मचारी की टीम भी गठित की गई है। बता दें कि कतरनी चूड़ा की खेती भागलपुर के जगदीशपुर समेत कई इलाकों में होती है। भागलपुरी कतरनी चूड़ा जो अब अपने सुगंध और स्वाद के कारण विश्वविख्यात हो गया है, तो इसको जिला प्रशासन की ओर से इसे बिहार भवन नई दिल्ली भेजा जा रहा है। 3 क्विंटल चूड़ा हम लोग लेकर के बिहार भवन जा रहे हैं। असल में इसका जीआई प्राप्त हुआ है भागलपुर को और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। पिछले साल भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को यहाँ से चूड़ा सौगात के रूप में जिला प्रशासन और आत्मा के द्वारा भेजा गया था और इस बार भी 3 क्विंटल चूड़ा आज विक्रमशिला से जिला प्रशासन और आत्मा के तरफ से आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार सिंह लेके गए हैं। बिहार में शनिवार से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो गई। वही जाति आधारित जनगणना को लेकर बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि जातीय जनगणना से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इससे लोगों को फायदा मिलेगा। चक्रपाणी ने कहा कि जिसकी जितनी जाति होगी उसको उतना फायदा मिलेगा, इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है। देखिए, गणना तो जरूरी है, जितनी जिसकी आबादी उतना उसको अधिकार। जनगणना से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। गणना से उसमें ये पता चल जाता है कि कौन है, क्या है, सारी स्थिति का पता चल करके उसके मुताबिक उसको अधिकार मिले। और ये सभी सारे देश के सभी अच्छे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल वर्कर का एक डिमांड रहा है कि जो ये काम हो, एक अच्छी पहले अच्छी शुरुआत है। अब बिहार से ये शुरुआत हो रही है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में शुरू हुई जातीय जनगणना, भागलपुर में डीएम ने की शुरुआत, मकानों का हो रहा नंबरीकरण। पति ने पत्नी के ईंट से कूच करके हत्या, 4 साल की बच्ची ने खोला राज। तेरह जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का होगा शपथ ग्रहण, डीएम ने जारी किया पत्र। राज्य के बाल श्रम अध्यक्ष पहुंचे भागलपुर, अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा दूसरे के बच्चों को अपना समझे। और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के लिए कलाकारों की टीम हुई रवाना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।